तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने दो बड़े गोभी को छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे वॉश करने के बाद बॉयल होते हुए पानी में डाल दें, साथ ही 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दें और इसे ज़्यादा देर बॉयल नहीं करने क्योंकि हम इसे बाद में भी पकाना होता है। अब एक बाउल में हम 2 टेबल स्पून मैदा, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा गोल की पाउडर, ग्रीन चिल्ली पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें और इसका बैटर बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा बैटर बना लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम गोभी डालेंगे। गोभी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा स्पून से नहीं हो रहा था तो मैंने हाथ से मिक्स कर लिया। ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर लेना है क्योंकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा ऐसा करने से। अभी ऑयल हीट हो जाए तो इसमें एक थोड़ा थोड़ा गोभी डालकर इसे फ्राई कर लेना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है, वरना ये जल जाएंगे और थोड़े कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह से आपको सारे गोभी को फ्राई कर लेना है। देखिए कितने अच्छे से पक गए। मैं ऐसे ही सारे गोभी को फ्राई कर ली हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अब ये चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, प्याज, शिमला मिर्च और प्याज का पत्ता लें और एक छोटे प्याले में सोया सॉस, चिली सॉस को मिक्स कर लें और टमाटो केचप और ये जो बचा हुआ बैटर है मैंने इसमें पानी और कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स कर लिया है। ये बाद में हम डालेंगे। जब ऑयल हीट हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन कटा हुआ डाल लें, प्याज डाल लें और इसे मिक्स कर लें अच्छे से। थोड़ा पक जाए तो इसमें सब्ज़ी ऐड कर लें, शिमला मिर्च और प्याज का पट्टा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करें, लाल मिर्च डालें, थोड़ा ब्लैक पेपर डालें और फूड कलर लाल डालें तो अच्छा लगेगा, थोड़ा मंचूरियन लाल लाल लगेगा। अब इसमें सारे सॉस को मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें जो मैंने बैटर बना के रखा था उसे ऐड कर लें। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ऐड करने के बाद इसका ग्रेवी। अब इसमें फ्राई किए हुए गोभी को डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को बंद कर दें। तो यहाँ पे हमारा गोभी मंचूरियन बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।